दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट सीधे ही चंद्रयान 3 को लेकर। यह अपडेट इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद दुनिया भर के लोग चौंक गए। चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है, यानी कि रोवर और विक्रम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर डाला। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जागने की अब कोई उम्मीद नहीं है। यह बात एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कही है। यह भारत के तीसरे चंद्र मिशन के संभावित अंत का संकेत है। मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और इसरो के पूर्व अध्यक्ष A.S. किरण कुमार ने कहा, नहीं नहीं, अब इसके फिर सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर यह होना होता तो अब तक हो जाना चाहिए था। तो इसके साथ कहां जाए, चंद्रयान मिशन पूरी तरह खत्म। यह अभी भी इसकी जागने की उम्मीद है, और साथ ही ये फेल हुआ तो क्यों हुआ, ये सब कुछ इस वीडियो में जाने। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:20 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 06:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। दोस्तों, यह कामयाबी तो इसरो ने पाली, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन को पूरी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पाए क्या? चंद्रयान 2 मिशन चंद्रयान 3 से अच्छा साबित होता है? आखिर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में क्या क्या बदलाव किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और पांचवां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था, चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में इंपैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है, और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CASTE लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA ऑफ प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को जगाने के प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। इन्हें जागना होता तो अब तक जाग चुके होते। इसे चंद्रयान 3 मिशन के संभावित अंत के तौर पर देखा जा सकता है। जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने यह बात कही है। वह मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जागने की अब कोई उम्मीद नहीं है। यह बात एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कही है। यह भारत के तीसरे चंद्र मिशन के संभावित अंत का संकेत है। मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और इसरो के पूर्व अध्यक्ष A.S. किरण कुमार ने कहा, नहीं नहीं, अब इसके फिर सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर यह होना होता तो अब तक हो जाना चाहिए था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 सितंबर को कहा था कि नया चंद्र दिवस शुरू होने के बाद सौर ऊर्जा चालित विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं, ताकि उनके फिर से सक्रिय होने की संभावना का पता लगाया जा सके। इसरो ने बताया था कि फिलहाल लैंडर और रोवर से कोई संकेत नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ और चीन के बाद ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। इसरो ने चंद्रमा पर रात होने से पहले
4 और 2 सितंबर को लैंडर और रोवर को निष्क्रिय अवस्था स्लीप मोड में डाल दिया था, जिनके 22 सितंबर के आसपास अगले सूर्योदय पर फिर से सक्रिय होने की उम्मीद थी। लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिवस की अवधि पृथ्वी के लगभग 14 दिन तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसरो के अधिकारियों के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के सभी 3 उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन और चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग शामिल हैं। चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धि के संबंध में किरण कुमार ने कहा, बड़े अर्थों में आपने निश्चित रूप से जो हासिल किया है वह यह है कि आप एक ऐसे क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां कोई और नहीं पहुंचा है तथा उस क्षेत्र का वास्तविक डेटा प्राप्त नहीं किया है। ये वास्तव में बहुत उपयोगी जानकारी है। इससे बाद के अभियानों को ज्ञान के संदर्भ में और उन गतिविधियों की योजना बनाने के संदर्भ में लाभ होगा जो आप उस क्षेत्र में करना चाहते हैं। उन्होंने इसरो की ओर से चंद्रमा से नमूने लाए जाने संबंधी मिशन शुरू करने की संभावना के बारे में भी बात की, लेकिन इस तरह का अभियान शुरू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, वैज्ञानिक यह कहते नजर आए कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम जग भी सकता है, उसका कोई पता नहीं, क्योंकि पहले भी हमने काफी देखा है, काफी देश के चंद्रयान 3 जैसे मिशनों में हलचल मची है, और वह द्वारा से कई हफ्तों तक चंद्रमा की भयानक दुनिया में रहने के बाद भी जीवित हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारा चंद्रयान 3 जग भी सकता है और नहीं भी जाग सकता, क्योंकि अभी तक इसरो की तरफ से कोई वक्त सबूत रही है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक चांद के इन 14 दिन के बाद भी फिर से ट्राई करेंगे, फिर से सिग्नल भेजेंगे, और अगर चंद्रयान 3 जग जाता है, उठ जाता है, तो बहुत बड़ा काम होगा इसरो का, फिर से नाम होगा, और वैज्ञानिक सोमनाथ का सबसे बड़ा काम होगा। तो दोस्तों, आप लोग बताइए इस वीडियो में क्या हमारा चंद्रयान 3 अगले इन 14 दिनों के अंदर चल पाएगा या नहीं, जग पाएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कर दें, और साथ ही हमारे फौजी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बैल आइकन के ऊपर लिंक आ रही है,